वांछित हुए अपराधियों की धरपकड़ अभियान में आज कुरावली पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 20,000 के पुरस्कार घोषित इनामी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके इनामी बदमाश का चेहरा बेनकाब किया है। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय की ओर से जारी किए गए कड़े निर्देश के तहत काम कर रही मैनपुरी पुलिस लगातार अपराध घोषित अपराधियों और वांछित अपराधियों की धर पकड़ के लिए प्रयासों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कुरावली पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम गोकुलपुर निवासी हिस्ट्री सीटर अपराधी आसाराम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आसाराम एक कुख्यात और हिस्ट्री सीटर अपराधी है। आसाराम के खिलाफ मैनपुरी जनपद के कुरावली थाने में 14 संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आसाराम कच्ची शराब बनाने का सबसे बड़ा सरगना है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान आसाराम के बारे में बताया कि आसाराम के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले अवैध शराब के ही दर्ज हैं। अभी बीते साल पहले जनपद एटा में दर्जनों लोगों की शराब पीने से मौत हो गई थी। उस मामले में भी आसाराम का नाम सामने आया था और 2 दिन पूर्व कुरावली थाना क्षेत्र में 70 लाख रुपए के पकड़े गए स्प्रिट एल्कोहल में भी आसाराम का नाम शामिल हुआ है। पुलिस ने आसाराम को पकड़ने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सफलता हासिल करने वाली टीम की सराहना की है। क्षेत्र में जो काली नदी के बेड में देशी शराब बनाने का एक बहुत बड़ा कारोबार का सरगना है आसाराम, आज इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20,000 रुपये का इनाम था। ये पहले भी इनामिया था, पहले भी गिरफ्तार कर जेल गया था। इस पर बहुत कठोर कार्रवाई हम पुलिस की थी और 14-1 में बहुत सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कराई थी। इसके बाद भी कई मुकदमों में मांगछीट चल रहा था और पुनः पुरस्कार घोषित हुआ था। कल पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। इसके पकड़े जाने से उस इलाके में जो गंगा जो कायल नदी के किनारे की बेल्ट में जो देशी शराब का एक बहुत बड़ा जखीरा समाप्त होगा और इस पर काफ़ी कंट्रोल होगा। सर कितने मुकदमे हैं इनके? लगभग 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे हैं और ये शराब का बहुत बहुत बड़ा सरगना है। देसी शराब जो बनती है रेक्टिफाइड स्प्रिट वाली भी और जो महुआ वाली भी, दोनों का माहिर है ये। अभी 2-3 दिन पहले करीब 85 लाख की शराब पकड़ी गई थी थाना कुरावली में ही। उस शराब में भी इनकी भूमिका बताई जा रही है। इन्हीं के मार्गदर्शन में शराब वो जो स्प्रिट लाई गई थी जो देसी शराब बना के और इलाके में उसकी बिक्री होती। एटा में जो शराब वाली घटना हुई थी उस में भी गोकुलपुर की शराब जो पहला व्यक्ति जो पकड़ा गया था उसने बताया गोकुलपुर की शराब थी और उसी शराब जो बटी थी उस इलाके में भी टपुआ आसपास क्षेत्र में वो घटना हुई थी एटा वाली में।